नमस्कार। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में चलिए खबर दिखाते हैं आपको छतरपुर शहर की। आपको बता दें कि हर रोज की अब आए दिन की स्थिति यह निर्मित होने लगी है कि यातायात अब बाधित होने लगा है। जहां पर यातायात की अगर बात की जाए तो इसमें व्यवस्थाओं को न देखते हुए यहां पर अव्यवस्थाएं हर रोज अब देखने को मिलती हैं, चाहे वह नेशनल हाईवे हो या फिर शहर के मुख्य मार्ग। आपको दिखाते हैं हम कुछ खास तस्वीरें जो छतरपुर शहर की कुछ मार्गों की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक लगा हुआ है। और इस ट्रैफिक को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि तकरीबन मुख्य मार्गों से अपने घर तक पहुंचने के लिए हर एक व्यक्ति को 2 से 3 घंटे की मशक्कत करने के बाद ही वह आसानी से अपने घर पहुंच सकते हैं। आज की व्यस्तता भरी जिंदगी में लोगों के पास इतना समय नहीं है, जिसके बाद अब लोग नेशनल हाईवे को छोड़ते हुए अपने घरों के लिए वह मुख्य मार्गों से जाते हैं, जहाँ की सकरी गलियां और वहीं पर दुकानदारों के और साथ में ग्राहकों के पार्किंग का कोई व्यवस्थित स्थान ना होने के कारण दुकानों के सामने 2 से 3 कतारों पर दोपहिया वाहन खड़े किए जाते हैं, जिससे 20 फीट की सड़क सिर्फ 10 फीट की ही रह जाती है, जिसमें आवागमन में बड़ी ही परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता है। जब इस संबंध में हमने व्यापारियों से चर्चाएं की तो व्यापारियों ने बताया कि यह हर दिन की परेशानियां हैं। यहाँ पर मुख्य मार्गों में बाजार भी लगाया जाता है और इन बाजारों के पास एक उक्त पार्किंग ना होने के कारण यह अव्यवस्था यातायात की बनी रहती है, चाहे वो सुबह हो या शाम। देर शाम होने के बावजूद भी यहाँ पर ट्रैफिक का लगा होना निश्चय ही रहता है। व्यापारी ने बताया कि तमाम प्रकार की कार्यवाही करवाने के लिए व पार्किंग के लिए कई प्रकार की नगर पालिका में और प्रशासनिक अधिकारियों तक बात पहुंचाई गई है, हालांकि उस बात को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। वह निर्मित स्थिति आज भी ज्यों की त्यों पसरी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक हर दिन की अपनी दिनचर्या में अब शामिल हो गया है। लोगों का निकलना भी बड़ा दुश्वार हो रहा है। और जब इस संबंध में यातायात प्रभारी पूर्णिमा मिश्रा से बात की गई तो उनका कहना है कि करवा चौथ के खास त्योहार को लेकर बाजारों में भीड़ हो रही है और इसीलिए प्रशासनिक तौर पर 4-व्हीलर और 3-व्हीलर को मार्केट में जाना निषेध कर दिया गया है। सिर्फ 2-व्हीलर और पैदल ही व्यक्ति मार्केट में जाकर शॉपिंग सामान खरीद सकते हैं। जाम की स्थिति वास्तव में बहुत खराब है और इस संबंध में पिछले दिनों जब शांति समिति की बैठक हुई थी तो हमने इस मीटिंग में यातायात समस्या से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया था, जिसके संबंध में छतरपुर के SP और कलेक्टर ने यातायात की पूरी जिम्मेदारी छतरपुर के एडिशनल SP जयराज कुबेर जी को सौंपी थी और उनको निर्देश किया था कि शहर की पूरी यातायात व्यवस्था आप देखें, जिसके परिपालन में छतरपुर के एडिशनल SP ने एक मीटिंग भी बुलाई थी शहर के नागरिकों की। उस पर कुछ चर्चा भी हुई है, चूँकि चुनाव का वक्त आ गया है, चुनाव का समय है, हो सकता है उनको समय न मिला हो। मुझे विश्वास है कि चुनाव के बाद एडिशनल SP इस संबंध में मीटिंग लेंगे और शहर की यातायात व्यवस्था से मुक्ति दिलाएंगे। कि अभी बस स्टैंड से हमारे एक बाहर से व्यापारी आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बस स्टैंड पर आ गया हूं और तो मैंने उनको एड्रेस दिया कि आप चौक बाजार में आ जाएं। 12 बजे वहां से चले हैं और यहाँ 2 बजे आप आए, जबकि बस स्टैंड से और चौक बाजार की दूरी आपको पता है कितनी है। इसलिए यातायात जाम से आम जनता बहुत परेशान है। बाजार में अभी चूंकि करवा चौथ आ रहा है तो रश ज़्यादा है, हमने अंदर 4-व्हीलर और 3-व्हीलर सभी रोकते हैं, जिनको भी जाना है 2-व्हीलर से वो पैदल जा सकते हैं, तो उसमें व्यवस्था। तो खास खबर के लिए बस इतना ही, बने रहे प्रैक्टिक टाइम के साथ। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खास खबरों के साथ। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत, नमस्कार। गहोई सेल्स एंड सर्विस में आकर्षक एक्सचेंज ऑफर के साथ आपको मिलेंगे कैंट, नसाका, यूरेका फोर्ब्स, एक्वागार्ड, टाटा स्वच्छ और यूनिलीवर प्योरिट के अलावा ल्यूमिनस बैटरी, हेवल्स, पद्मनी अप्लायंस, बजाज क्रॉम्पटन ग्रीव्स, सिंफनी, उषा, सेलो और इसके अलावा टेलीविजन रेंज में टाटा स्काई HD वीडियोकॉन T2H और डिश TV की सुविधा, साथ ही साथ वी गार्ड और फिलिप्स के भी उत्पाद। इस भीषण गर्मी में कूलर की हर रेंज गहोई सेल्स एंड सर्विस में उपलब्ध है, तो आज ही आए गहोई सेल्स एंड सर्विस, कांग्रेस कार्यालय के सामने, छत्रसाल चौक, छतरपुर।